रविवार का दिन अलीगढ़ में बारिश के नाम रहा। रेन डे के दिन लोग घरों से नहीं निकले। सुबह से ही ओले बरसना शुरू हो गए और दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। शाम के वक्त तो मूसलाधार बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया। जगह जगह जल भराव हो गया, जिसके चलते लोगों को घर लौटने में काफ़ी दिक्कत हुई। हालांकि रविवार का दिन था, लोगों का ऑफिस का वक्त नहीं था, फिर भी लोग जो दुकानदार थे वो घर लौटे तो रास्ते में उनकी बाइकें पानी भरने के चलते बंद होती गई दिखीं। लोग परेशान नजर आए। कई जगह जल भराव की स्थिति ये आ गई कि दुकानों के अंदर भी भर गया। दुकानदारों के बाजार में सन्नाटा रहा। वहीं हरदुआगंज इलाके में आकाशीय बारिश बिजली गिरने से दो किसानों की मौत हो गई। कुल मिलाकर रविवार का दिन रेन डे रहा और लोगों को काफ़ी दिक्कत हो गई। मौसम बहुत खराब रहा है, सुबह से ओले पड़ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं निकलने बनने के लिए, गाड़ियां बंद हो रही हैं, कोई सुधार नहीं है, पटरियाँ बंद हो रही हैं, सवारियों को परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक। अभिषेक जी, आज का मौसम कैसा रहा है, कितना बाजार पे असर पड़ा है और क्या दिक्कत हो रही है? बाजार में तो बहुत ही असर पड़ा है, दुकानदारी अस्त व्यस्त रही और मेरा काम भी बहुत ही अलगा हो गया। वैसे भी मार्केट का डाउन चल ही रहा है और ये बारिश पड़ने थे और ओले पड़ने थे और ज़्यादा ख़राब हो गया मार्केट का। सर्दी में कितनी बढ़ोतरी हो गई है? सर्दी में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो चीज़ बढ़ोतरी होने के बाद बेनिफिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए। मार्केट बहुत बेकार है। लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत सी दिक्कत हो रही है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो मार्केट में पानी भरा हुआ है और सिद्धि जो रुक जाती हैं, गाड़ियां रुक जाती हैं और ये रोड भी बहुत बेकार है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अगले 2-3 दिनों में बारिश और पड़ने की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। बहरहाल ओलों के साथ हुई इस बारिश ने आम जनमानस को अस्त व्यस्त कर दिया है। रिपोर्ट अलीगढ़ मीडिया.com।